हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको पांच ऐसे ऑसम गेम्स के बारे में बताऊंगा जिनसे आपका लॉकडाउन में बढ़िया टाइम पास हो जाएगा। पहला गेम है यहाँ पर जिसका नाम है डुएट। तो गाइस, इसमें आपको करना क्या है, आपको इसमें ये दो बॉल्स दिख रही होंगी ब्लू और रेड कलर की, बस इनको इन ऑब्स्टेकल से बचाना है। इसके लिए आपको करना ये है कि आप या तो राइट पे टैप करेंगे या फिर लेफ्ट में, बेसिकली टैप करके आपको होल्ड करना है तो ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घूमेंगे। राइट में टैप करने से क्लॉकवाइज घूमेगा और लेफ्ट में टैप करने से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। बेसिकली ये दोनों ना एक ही ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो इस तरह से इनको थोड़ा संभालना मुश्किल इस वजह से हो जाता है। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप एक बॉल को बचा रहे हैं तो दूसरी बॉल ना हो, इसके मतलब काफ़ी कंसंट्रेशन चाहिए। इस गेम में बढ़िया टाइम पास हो जाएगा इस गेम में, और इस गेम में बहुत सारी लेवल्स हैं, मतलब बहुत सारी है, एक के बाद एक आपको सिक्वेंशली आपको ये सब पार करनी होगी, मतलब शुरू से लास्ट तक। इस लिस्ट का सेकंड गेम है ट्रैफिक्स। ये सबसे ज़्यादा इजी गेम है, जितने भी गेम इस लिस्ट में है सबसे इजी गेम ये वाला है। इसमें सिर्फ आपको अपनी एक फिंगर यूज़ करनी है और ऑब्वियसली अपना ब्रेन भी यूज़ करना पड़ेगा। मतलब इसमें ये समझ लो कि आपको ट्रैफिक पुलिस में जॉब मिल गई है और आपको ट्रैफिक क्लियर करवाना है। मतलब इसमें ना दो कलर की कार्स होती हैं, वाइट और ब्लैक। तो जो वाइट वाली होती है वो आपके कंट्रोल में है, उन्हें आप ट्रैफिक से मतलब आने जाने दे सकते हो। अगर आपने सही से ट्रैफिक क्लियर नहीं कराया तो एक तो आपकी सैलरी कटेगी और दूसरा ये वाइट और ब्लैक कार्स टकरा जाएंगी, ये इजीली हट भी जाती हैं। मतलब इसमें बहुत सारी लेवल्स हैं जिनको सिटीज़ के नाम से सेव किया गया है, तो मतलब आप लंबे टाइम तक मज़े कर सकते हो, पूरा लॉकडाउन कट जाएगा इस गेम में। नेक्स्ट गेम है यहाँ पे कमीलियन रन। ये बहुत ही मतलब यूनिक सा गेम है। इसमें ये जो छोटा सा बच्चा है ये भागता है और यहाँ पे मतलब दो कलर के स्लैब्स रहते हैं, एक पिंक है और एक येलो है। तो हमें इसमें करना क्या है कि जब ये कूदता है तो हमें ध्यान रखना है कि ये येलो वाले स्लैब में लैंड कर रहा है या पिंक वाले में। अगर आप लेफ्ट टैप करेंगे ना तो आपका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब ये जो बच्चा दौड़ रहा है इसका कलर चेंज होगा और उसी कलर से मैच करना है जो नीचे स्लैब है। तो बेसिकली ये राइट टैप से उछलता है या फिर अगर टैप करके होल्ड करके रखो तो ये ऊपर भी उड़ता है। मतलब ऐसा ही गेम है, आप खेलोगे तो आपको समझ आ जाएगा, मुझे तो काफ़ी पसंद आया ये। इसमें भी बहुत सारी लेवल्स हैं। नेक्स्ट गेम है यहाँ पर कैन नॉकडाउन 3। ये भी काफ़ी मतलब एडिक्टिव सा गेम है, बढ़िया गेम लगा मुझे ये भी। इसमें आपको करना क्या है कि यहाँ सामने पे कैंस रखे रहते हैं तो इन्हें आपको बस निशाना लगा के ना बॉल से गिराना है। मतलब इस गेम में मतलब बोलने में तो सिंपल सा लगना है कि बॉल से बस कैन गिराने हैं, ऐसा नहीं है। मतलब इसकी फिजिक्स काफ़ी अच्छी है, मतलब जैसे बॉल कैन से टच होती है ना तो अच्छी तरीके से गिरता है, मतलब मज़ा आता है देखने में। और कई सारी लेवल्स आती हैं इसमें, मतलब एक्सप्लोजिव वाले कैंस भी आते हैं, मतलब नई नई बॉल्स आती हैं उन्हें आप अनलॉक कर सकते हो। अलग अलग मतलब सिनेरियो आते हैं इसमें, जैसे ये वाला अभी एक सीवर का है और आगे जाके और भी कई सारी लेवल्स आएंगे, आपको अनलॉक करनी पड़ेंगी। इसमें भी बहुत सारी लेवल्स हैं, आप देखते जाओगे तो काफ़ी सारी लेवल्स हैं इसमें। सारी लेवल पार करोगे आप मतलब डिफ़िकल्टी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप लेवल पार करते जाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव अ गेम कॉल्ड ड्यून। तो ड्यून इसलिए क्योंकि इसमें ये छोटे छोटे सैंड ड्यून्स आपको दिख रहे होंगे। इसमें आपको करना क्या है, ये बॉल है छोटी सी, तो इसको आपको जितनी ज़्यादा हाइट पे पहुंचा सकते हो उतना पहुंचाना है। बेसिकली मोमेंटम आपको जनरेट करना होगा, ये जो स्लाइड करके नीचे जाएगा इतनी ज़ोर से, ये देखो ऐसे करके मोमेंटम आपको जनरेट करना है और जितना ज़्यादा ये ऊपर जाए उतना आपका हाई स्कोर होगा, और अगर ये ऐसे फ्लैट गिरेगा तो ये बॉल रुक जाएगी। गाइज, आज की इस वीडियो में यही 5 गेम्स मैंने बताए हैं जिनसे आपका टाइम पास लॉकडाउन में इजीली हो जाएगा। काफ़ी एडिक्टिव गेम्स हैं और मुझे तो बहुत पसंद आया, आई थिंक आपको भी बहुत पसंद आए होंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई ना तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।